अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी ठीक ठाक होंगे, सभी बहुत खुश होंगे। आप देख रहे हैं सुभान फूड सीक्रेट्स यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आयशा। शकरकंदी को आपने उबाला भी होगा, स्टीम भी किया होगा, लेकिन आज शकरकंदी को तवे के ऊपर बनाने का एक बिल्कुल मुनफरिद और अलग तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे शकरकंदी ना तो फीकी पड़ेगी और ना ही बहुत ज्यादा गलेगी। ये तरीका आजमा कर आप लोग शकरकंदी को उबालना भूल जाएंगे। वीडियो आज की बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। चलिए जी, फटाफट से टाइम जाया किए बिना अपनी जबरदस्ती वीडियो की तरफ चलते हैं। शकरकंदी को मीठा बनाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 1 kg के करीब शकरकंदी ले रखी है। इसको लाके सबसे पहले आप लोगों ने अच्छे से वॉश कर लेना है। जो बर्तन धोने वाली कुची होती है ना, मैंने तो इसको इसके साथ मल मल के अच्छे से धो लिया ताकि इसके ऊपर कोई भी किसी भी किस्म की मिट्टी वगैरह ना रहे। एक प्याली में लेंगे हम ऑयल, इस तरीके से ब्रश लेंगे और अच्छे तरीके से इस शकरकंदी के ऊपर हम ऑयलिंग करते जाएंगे। सारी शकरकंदी के ऊपर जबरदस्ती ऑयलिंग जो है वो हो चुकी हुई है। अब हम गैस की तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ गैस पे रखेंगे एक अदद तवा और इसके ऊपर भी ऑयल से अच्छे से इसकी ग्रीसिंग कर देंगे, और ऑयल आपने बहुत ज्यादा नहीं लगाना, ठीक है। साथ ही साथ हम इसमें शकरकंदी को सेट करते जाएंगे। आप देख सकते हैं जो बड़े पीस है ना, मैंने उसके दो हिस्से कर लिए हुए हैं ताकि इजीली गल जाएं। इसमें आप लोगों ने कोई पानी नहीं ऐड करना, कोई कुछ नहीं ऐड करना, बस ये अपनी ही स्टीम में बहुत जबरदस्ती गल जाएगी। साथ ही जी इसको हम कर देंगे कवर और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे 20 मिनट के लिए रखेंगे। साथ में आप लोगों ने साइडें इसकी टाइम के साथ साथ चेंज करती जानी है ताकि शकरकंदी हर साइड से अच्छे से कुक हो जाए। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो है, मिलते हैं आपसे 20 मिनट के बाद। यहाँ पे जी हो चुके हुए हैं 20 मिनट, इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे कवर किए हुए। वैसे तो मैं बीच बीच में इसको चेक करती रही थी, साइडें इसकी जो है वो मैं चेंज करती रही थी। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा इनके ऊपर गोल्डन कलर जो है आ चुका है, ये जबरदस्ती गल भी चुकी हैं। अब जी हम इनको निकाल लेते हैं और इसको थोड़ा सा हमने ठंडा करके छीलना है, ठीक है। गरम गरम को बिल्कुल भी नहीं छीलेंगे। गैस का फ्लेम हम करेंगे यहाँ पे बंद और चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। आप लोगों को डिश आउट करके दिखाते हैं कि ये कितनी मजेदार, कितनी जबरदस्त और कितनी सॉफ्ट बन के तैयार हुई है। फाइनल लुक को मिस मत करिएगा। ले जी, शकरकंदी हमारी जो है अच्छे से हो चुकी है ठंडी। इसको मैंने 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया हुआ था, अब इसको हम छील लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं बहुत कम टाइम में बहुत जबरदस्त, बहुत स्पाइसी, बहुत ही मीठी शकरकंदी हमारी जो है वो बिल्कुल हो चुकी हुई है तैयार। आप देख सकते हैं ना, ये बहुत ज्यादा गली है और ना ही ये बहुत ज्यादा कच्ची है। इसका टेस्ट और यहाँ पे जो फ्लेवर बनके तैयार हुआ है ना, क्या ही कहने। आप लोग भी जरूर अपने घरों में एक बार ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल सुभान फूड सीक्रेट्स को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, दुआओं में मुझे याद रखना है। अल्लाह हाफिज।